आप सभी साथियों को प्राइवेट जी का नमस्कार। साथियों, आज हम लेकर आए हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट 2018-19 का जो विज्ञापन निकला हुआ है, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, सिलेबस के बारे में, कब तक परीक्षा होगी। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए नए आए हैं, उन लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो है भविष्य में जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो या अन्य भर्ती परीक्षा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आप लोगों को मिल सके और इस चैनल के जो है उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो सके और आप लोगों को इससे भरपूर लाभ मिल सके। तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है, फ्री में सब्सक्राइब किया जाता है। तो फ्री में आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लेंगे, बटन दबाएंगे, तो कोई भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो साथियों, आइए चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में कि कैसे तैयारी की जाए, कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम समय भी है। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, क्लर्कियल ग्रेड की जो वैकेंसी है, 1453 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। आई होप मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि प्रेफरेंस क्या भरना है। सबसे पहला प्रेफरेंस जो है जूनियर असिस्टेंट के बारे में बताया गया था भरने के लिए, और सेकंड प्रेफरेंस के बारे में पेड अप्रेंटिस के बारे में बताया गया था भरने के लिए। तो जो सिलेबस है आपका, जैसा कि देख रहे हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होना है, हिंदी है और जो है अंग्रेजी है और जनरल स्टडीज़ है और मैथमेटिक्स है। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। आप लोगों को जैसे बता दें कि 25 क्वेश्चन जो है हिंदी के आने हैं और 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के आने हैं, और जो है जनरल स्टडीज़ के जो हैं 25 क्वेश्चन आने हैं, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आने हैं। टोटल जो है 25-25 का पेयर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद 50 नंबर की टाइपिंग है। 25 नंबर की टाइपिंग हिंदी में है और 25 नंबर की टाइपिंग अंग्रेजी में है। और साथियों, किताब के बारे में आप लोगों को बता दें कि जैसा कि किताब आप लोग देख रहे हैं, आरएस अग्रवाल की आप किताब ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की जो परीक्षा होती है उसका मैथ थोड़ा ठीक ठाक लेवल का आता है, और क्योंकि अब कंपटीशन भी बढ़ गया है, जैसा कि एसएससी की स्थिति बड़ी ख़राब होने की वजह से कि एसएससी के जो अभ्यर्थी हैं अब हर परीक्षा में बैठने लगे हैं, उनकी पहले हिंदी कमज़ोर थी तो हिंदी भी उनकी अच्छी खासी स्ट्रांग हो गई अधीन सेवा चयन आयोग के बनने के कारण। 2014 से उन लोगों ने हिंदी अच्छी खासी तैयारी कर ली एसएससी के, तो मेरिट भी ज़्यादा जाने लगी है और काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो आरएस अग्रवाल की किताब आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ये जो नवीनतम जो नई किताब पब्लिश हुई है उसको आप लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, विभिन्न परीक्षा के लिए ये सब दिया है, सीसैट, पुलिस सब इंस्पेक्टर जो भी है, तो इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ। इसको आप अगर मार्केट में ना मिले तो आप amazon.com से आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है, 25 क्वेश्चन तो आपको मैथ इसमें से आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और 25 क्वेश्चन रही बात अंग्रेजी की, अरिहंत की बुक आती है ग्रामर की, कंपटीशन की, वेरी यूजफुल फॉर ऑल कंपटेटिव एग्ज़ाम्स, 1000 जो है 10000 से लेकर जो है 7000 क्वेश्चन सॉल्यूशंस है। इस किताब को आप खोलेंगे, यह सी गुप्ता की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है प्रैक्टिस सेट के लिए, इंग्लिश की जो है, इंग्लिश भी जो है आनी है क्योंकि सारे सेक्शन में आपको करना है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। या तो ये आप ले लीजिए, या तो एक अंग्रेजी आती है हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से आती है, जो रेन एंड मार्टिन की आती है, और जो है NDB राव साहब की आती है, तो इस किताब को आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैटर इसमें बना के दिया हुआ है। ये आपको हो गया मैथ 25 क्वेश्चन का हमने बता दिया, अंग्रेजी 25 क्वेश्चन का हमने बता दिया। अब आते हैं सामान्य ज्ञान, लूसेंट तो सबके पास वैसे होगी ज़रूर, लूसेंट हर कोई रखा होगा पढ़ने के लिए, लूसेंट तो काफ़ी यूज़फुल किताब है क्योंकि काफ़ी कम समय बचा हुआ, जिन लोगों जो लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं तो वो लूसेंट से ही तैयारी करें, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मनोहर पांडे की एक 30 रुपये की किताब आती है, सामान्य ज्ञान की 2019 की, आप ये किताब ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है इस सामान्य ज्ञान लूसेंट के साथ पढ़ने के साथ साथ आप जो है करंट की मैटर जो है, कम से कम 6 माह का करंट जो है आप अपडेट कर लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए,
चाहे प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, जो आपको उचित लगे। 6 महीने की का कम से कम करंट जो है अच्छी खासी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये 25 क्वेश्चन आपसे आपका इससे कवर हो जाएगा। और सामान्य हिंदी के बारे में आपको बता दें, 25 क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी के भी आने हैं। तो साथियों, जो है एस चंद की जो किताब है, जो ऑब्जेक्टिव किताब, ऑब्जेक्टिव टाइप की किताब है, ये जो है आरएस अग्रवाल की है और विकास अग्रवाल की ये किताब, इस किताब को आप लेख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये किताब जो है ऑब्जेक्टिव जो है जनरल हिंदी की किताब है, हिंदी के लगभग 25 क्वेश्चन आने हैं, उसमें एक पैराग्राफ आएगा कम जो है कम्प्रिहेंसर टाइप का। तो उसको जो है 5 क्वेश्चन उसके रहेंगे, उसको आपको जो है देख करके उसको आंसर देना पड़ेगा। और बाकी जो है और भी क्वेश्चंस हैं हिंदी में, है व्याकरण में जो है जो है व्याकरण से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे संधि विच्छेद हो गया, चाहे तत्सम तद्भव या करेक्शन वर्ड जो है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। तो इस बार पेपर थोड़ा सा स्तरीय पेपर बनने वाला है, तो तैयारी भी कम समय है। फरवरी में जहाँ तक है आप लोगों की परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, हिंदी का आप प्रतियोगिता दर्पण का भी आप लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण ऑब्जेक्टिव टाइप की आती है, और भी तमाम किताबें आती हैं। उपकार की किताब आप ले सकते हैं, उपकार की किताब बहुत ही अच्छी आती है। बाकी तमाम किताबें हैं, आरएस जो मनोहर पांडे की किताब है, जो है पीएन पांडे की किताब है, तो तमाम किताबें हिंदी की आती हैं। लेकिन जो है ये किताब जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, काफ़ी कम समय है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस किताब से लेकर के। और फरवरी में जहाँ तक है ग्रुप सी की परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोगों को अगर यह किताब मार्केट से ना मिले तो आप amazon.com से जा करके जो है वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से बाई ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। तो साथियों, चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक सब्सक्राइब करिए बिल्कुल फ्री में, बेल आइकन को भी दबाइए बिल्कुल फ्री में, और ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और प्राइवेट जी का ये जो उद्देश्य है ये पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।